तो आइए ब्लैक कलर के ऊपर अगर हमें कोई और कलर स्ट्रेस के ऊपर लगाना हो तो कैसे करेंगे? अब ये प्योरली ब्लैक कलर इसने लेडी ने वेयर किया हुआ है, अब इसके ऊपर अगर हमें कोई और कलर शेड्स पर लगाना है तो हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं? पहले देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जाके क्विक सिलेक्शन टूल लेंगे और या हाँ टूल ले लेंगे और इससे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे पूरा इसका ड्रेस जो है। ये देखिए इसका पूरा ड्रेस सिलेक्ट हो चुका है यहाँ से इस तरीके से। अब ये जो ड्रेस इसका सिलेक्ट हो गया, अब इसके ऊपर हम कैसे कलर शेड्स दूसरे दें? देखिए ब्लैक लाइट कलर्स डिफरेंट होते हैं, डार्क कलर डिफरेंट होते हैं, तो इस पे आपने क्या करना है, सिलेक्ट करके यहाँ से एक वही लगाना है सॉलिड कलर। जैसे सॉलिड कलर को आप अप्लाई करेंगे तो जो भी कलर शेड आप इस पर देना चाह रहे हैं, जैसे इसको अप्लाई करेंगे ओके करेंगे तो वैसे तो ये अप्लाई हो गया, लेकिन जैसे आप इसका ब्लेंड मोड खोलेंगे मल्टीप्लाई पे तो ये इस पर काम नहीं करेगा। तो इसके लिए ब्लेंड मोड आप लेंगे कौन सा, सॉफ्ट लाइट, कौन सा लेंगे, ये लिखिए सॉफ्ट लाइट लेंगे। और उसके बाद अब इस पर आप लाइट कलर्स को अप्लाई करना शुरू करें, जैसे ब्लू का लाइट, ग्रीन का लाइट, ठीक है, और येलो का लाइट, ठीक है, और फिर लें इसमें स्काई ब्लू का लाइट, तो वो उस कलर के साथ मिलके एक कलर शेड बना देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम मैजेंटा कलर बना दें इसके साथ, तो यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए मैजेंटा का लाइट जितना डालेंगे वो डार्क के ऊपर उतना उसके साथ मिक्स होकर आपको उस तरह से दिखाई देगा, लेकिन जैसे इसको डार्क करेंगे तो वो फिर से क्या हो जाएगा, फुल ब्लैक हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह के कलर शेड्स आप उसमें लाइट कलर से इसके ऊपर डाल सकते हैं ताकि फिर वो उस कलर का आपको शेड दे। देखिए ये कलर का सेट हो गया, तो ये देखिए इसके ब्लैक ड्रेस से हमने कन्वर्ट कर दिया इसके चॉकलेटी कलर के ऊपर, सही है?